그래. 에? तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में टैग नाम की एक जैपनीज एक्शन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी और ये किसी स्लैशर मूवी से कम नहीं है। इस मूवी में आपको कमाल के किल्स देखने को मिलेंगे और इसकी स्टोरी भी काफी डिफरेंट है। तो चलिए, अब ज्यादा वक्त ना गवाते हुए हम सीधा इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म स्टार्ट होती है और हमें एक स्कूल बस दिखाई जाती है। इन स्कूल बस में फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं और उनमें से एक लड़की का नाम मित्सुकु होता है। मित्सुकु अपने बुक में कुछ लिख रही होती है, लेकिन इस बात पे उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इन्हीं सब के बीच उसका पेन गलती से नीचे गिर जाता है। वो उस पेन को उठाने के लिए नीचे झुकती है, लेकिन तभी एकदम से तेज हवा आती है और पूरी बस को काट देती है। उस बस के अंदर बैठे सारे स्टूडेंट्स मारे जाते हैं और अकेली मित्सुकु ही बची होती है, क्योंकि वो नीचे बैठ गई थी। मित्सुकु जब खड़ी होती है तब वो अपने आसपास का नज़ारा देख के काफ़ी डर जाती है। उसे समझ ही नहीं आता है कि आखिर उसके आसपास हुआ क्या है। वो अपनी बस से बाहर निकलती है और रोड पे भागने लगती है, और हम देखते हैं कि वो हवा उसका पीछा कर रही होती है। भागते भागते वो चार लड़कियों के पास पहुंचती है और वो उन्हें तुरंत ही झुकने के लिए कहती है, लेकिन वो लड़कियाँ उसकी बात पर ध्यान नहीं देती हैं। मित्सुकु उनमें से एक लड़की को किसी तरह बचा लेती है, लेकिन हवा बाकी तीन को काट डालती है। उनको सामने से कुछ साइक्लिस्ट आते हुए दिखते हैं और वो उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं और अगले ही पल वो हवा उनको भी काट डालती है। मित्सुकु अभी भी जिंदा होती है, लेकिन वो लड़की भी मारी जाती है। मित्सुकु अपनी जान बचाने के लिए फिर से भागती है और भागते भागते वो एक लेक के पास पहुंचती है। उस लेक के पास बहुत सारी डेड बॉडीज होती हैं। वो वहाँ पे हाथ मुंह धोती है और अपना ड्रेस भी चेंज कर लेती है। उसने एक दूसरी स्कूल का ड्रेस पहन लिया होता है। चलते चलते वो एक स्कूल में पहुंच जाती है। ये स्कूल मित्सुकु का नहीं था, क्योंकि यहाँ की यूनिफॉर्म उसके पिछले वाले यूनिफॉर्म से काफ़ी अलग थे। वो स्कूल में घूम ही रही होती है, लेकिन तभी एक आकी नाम की लड़की उसके पास आती है। वो लड़की मित्सुकु की बेस्ट फ्रेंड होती है, लेकिन वो उसे पहचान ही नहीं पाती है। मित्सुकु को हवा से डर लगने लगा था और इसलिए वो स्कूल की बिल्डिंग में जाके छुप जाती है। पीछे से आकी भी आती है और वो उसे किसी तरह शांत कराती है। मित्सुकु बताती है कि कैसे उसने हवा को लोगों को मारते हुए देखा। वो काफ़ी डरी होती है, लेकिन आकी उसे शांत कराती है। वो उससे कहती है कि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। आकी कुछ और फ्रेंड्स को लेती है और मित्सुकु के साथ क्लास को बंक करती है। उनकी टीचर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो सभी लोग वहाँ से भाग जाती हैं। वो चारों क्लास को बंक करके एक लेक के पास पहुँचते हैं। मुझे पता है कि आप लोग स्टोरी को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन को देखते रहिए और धीरे धीरे स्टोरी अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। वो सभी लोग लेक के पास रिलैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक लड़की मल्टीपल डायमेंशंस के होने की बात कहती है। वो कहती है कि हो सकता है कि ढेर सारे मिरर वर्ल्ड्स हों। वो कहती है कि किसी दुनिया में वो जिंदा है, लेकिन किसी में वो मारी जा चुकी होगी। वो ये भी कहती है कि सभी चीज़ें पहले से डिसाइडेड हैं कि कब कहाँ पे क्या होगा, लेकिन इस डेस्टिनी को आसानी से चेंज किया जा सकता है। बस हमें वो काम करना होगा जो हम अक्सर नहीं करते हैं, और इसकी हेल्प से हम अपनी डेस्टिनेशन को चेंज कर सकेंगे। इसके बाद वो सभी लड़कियाँ स्कूल वापस आ जाती हैं और अगले लेक्चर की तैयारी करती हैं। लेक्चर के दौरान मित्सुकु को एक तकिया दिखता है और वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है, पर तभी उनकी टीचर पूरे क्लास पे मशीन गन से फायर करने लगती है। मित्सुकु जब ऊपर उठती है तो वो देखती है कि उसकी क्लास की सारी लड़कियां मारी जा चुकी हैं। मित्सुकु की टीचर इस बात से गुस्सा होती है कि वो हमेशा क्लास को बंक करते हैं, पर तभी मित्सुकु की दो दोस्त वहां पे आती हैं और उसे वहीं से लेके भाग जाती हैं। मित्सुकु तो वहां से एस्केप कर लेती है, लेकिन वो टीचर उसके दोनों दोस्त को मार डालती है। हम देखते हैं कि पूरे स्कूल में अफरा तफरी होती है। सारे स्टूडेंट्स इधर उधर भाग रहे होते हैं, सब अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और पीछे से सभी टीचर्स लगातार फायरिंग कर रहे होते हैं। जैसे कि ये कम नहीं था, और वहाँ पे हवा भी आ जाती है और वो बाकी स्टूडेंट्स को काटने लगती है। मित्सुकु भागते भागते एक गली में पहुँचती है और वहाँ से सीधा एक पुलिस स्टेशन में जाती है। मित्सुकु वहाँ पे एक ऑफिसर को देखती है और वो उसे सब कुछ बताती है, लेकिन वो ऑफिसर उसकी बात पे हंसती है और वो उसे एक मिरर दिखाती है। मिरर में हम देखते हैं कि मित्सुकु का चेहरा एकदम ही बदल गया होता है। अब की बार मित्सुकु का चेहरा और नाम दोनों ही बदल चुका होता है और उसे काइको नाम से बुलाया जा रहा होता है। वो पुलिस ऑफिसर मित्सुकु, या फिर आप कह सकते हैं काइको, को उसकी शादी के लिए ले जाती है। रास्ते में सभी लोग काइको को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। वो वेडिंग लोकेशन पे पहुंचती है और वहां पे उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड भी दिखती है। काइको उससे पूछती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है।
और उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे कहती है कि वो लोग किसी के कंट्रोल में हैं। मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहाँ पे सभी लड़कियों को मारने लगती हैं और वो लड़कियाँ भी कायको का मजाक उड़ा रही होती हैं। कायको एक टूटी हुई बॉटल लेती है और शादी करने के लिए आगे बढ़ती है। वो देखती है कि स्टेज पे एक बॉक्स पड़ा होता है। एक लड़की वहाँ पे जाती है और वो उस बॉक्स को खोलती है। उस बॉक्स में से एक पिक बाहर निकलता है और कायको उस पिक को देख के डर जाती है और उस पे टूटी हुई बॉटल से हमला कर देती है। आसपास खड़ी सभी लड़कियां कायको को मारने लगती हैं, लेकिन तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड वहां पे आती है और वो उसे बचाती है। दो लड़कियां उनका रास्ता भी रोकती हैं, लेकिन वो दोनों उन्हें हरा देती हैं। दौड़ते हुए कायको एक मिरर में देखती है और अब की बार मित्सुको फिर से बदल गई होती है। फिर से उसका चेहरा बदल गया होता है और अब की बार उसका नाम इज़ुमी होता है। कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं और वो उसे रेस में भागने के लिए इनकरेज करती हैं। मित्सुको अब की बार इज़ुमी नाम की एक रेसर होती है। वो बचपन से ही काफी तेज दौड़ती थी। भागते वक्त इज़ुमी को अपने पुराने फ्रेंड्स दिखने लगते हैं और वहाँ पे वो पिग वाला आदमी भी होता है और साथ ही साथ वो चर्च वाली लड़कियाँ भी होती हैं जिन्होंने इसे मारने की कोशिश की थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड आकी भी वहाँ पे होती है और उससे कहती है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब तक हर सिनारियों में उसकी बेस्ट फ्रेंड आकी ने उसे हेल्प किया होता है। मित्सुको भागते भागते एक सुनसान जगह पे आ जाती है। वहाँ पे कुछ लड़कियाँ पहले से ही होती हैं और वो उसे मारने की कोशिश करती हैं। वो कहती है कि जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक वो लोग मरते रहेंगे। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन तभी मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड आकी वहाँ पे आ जाती है। आकी उस लड़की को मार डालती है और वो इज़ुमी को लेके वहाँ से भागने लगती है। आकी इज़ुमी से कहती है कि उसे बार बार अपना असली नाम लेना चाहिए और इसीलिए इज़ुमी बार बार मित्सुको चिल्लाती है और अगले ही पल वो मित्सुको में बदल जाती है और उसकी शक्ल भी पहले जैसी हो जाती है। आकी उसे बताती है कि वो लोग एक फिक्शनल वर्ल्ड में हैं और मित्सुको यहाँ की मेन कैरेक्टर हैं। उन सभी को कोई कंट्रोल कर रहा है और वही ये सब कर रहा है। वो कहती है कि अगर मित्सुको को इन सभी चीज़ों से आज़ाद होना है तो फिर उसे कुछ करना पड़ेगा। आकी मित्सुको से कहती है कि वो अलग अलग दुनिया से होके आई है और सब में वो मेन कैरेक्टर थी और अगर मित्सुको को फाइनल वर्ल्ड में पहुंचना है तो फिर उसे आकी को मारना पड़ेगा। मित्सुको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन आकी उससे कहती है कि उसे उसके बॉडी से वायर खींचने पड़ेंगे जिससे वो अपने आप ही मर जाएगी। मित्सुको रोते रोते उन वायर्स को खींचने लगती है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे वायर्स बाहर आ रहे होते हैं आकी मरती जा रही होती है। फाइनली उसकी बेस्ट फ्रेंड मारी जाती है और उसके दो हिस्से हो जाते हैं और पीछे एक दरवाजा भी खुल जाता है। मित्सुको उस दरवाजे से ट्रैवल करती है और वो एक नई दुनिया में पहुंच जाती है। इस दुनिया में सिर्फ आदमी रहा करते थे। इस दुनिया में मित्सुको के जगह जगह पे पोस्टर्स भी लगे होते हैं। मित्सुको कुछ भी समझ नहीं पाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसकी जब आँख खुलती है तब वो खुद को एक बड़े से कमरे में पाती है। वो वहाँ पे देखती है कि उसके फ्रेंड्स के और उसके अलग अलग मॉडल्स वहाँ पे होते हैं और उसके सामने ही एक बूढ़ा आदमी कोई वीडियो गेम खेल रहा होता है और उस वीडियो गेम के कैरेक्टर्स और कोई नहीं बल्कि मित्सुको थी। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वही सबको कंट्रोल कर रहा है। वो बताता है कि मित्सुको काफ़ी टाइम पहले मारी जा चुकी थी और उसने उसे वापस से बनाया है। उसने उसका DNA ले लिया था और उसे एक मेन कैरेक्टर की तरह बना दिया। वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि गेम को ख़त्म करने के लिए उसे उसकी बात को मानना पड़ेगा और वो मित्सुको को एक आदमी के पास जाने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि वो दूसरा आदमी उस बूढ़े आदमी का यंगर वर्जन होता है। मित्सुको न चाहते हुए भी उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी उसे अपने एक दोस्त की बात याद आती है जो कि थी अगर वो चाहें तो फिर वो अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, बस उन्हें चीज़ों को अलग तरीके से करना होगा। मित्सुको उस आदमी का गला दबाने लगती है और उससे कहती है कि उसे किसी के साथ खेलना नहीं चाहिए। वो आगे बढ़ती है और उस बूढ़े आदमी से उसकी डंडी छीन लेती है और इसके बाद वो उस छड़ी को अपने पेट में ही घुसा देती है और यहाँ पे मित्सुको खुद को ही मार लेती है। वो बूढ़ा आदमी ये देख के काफ़ी गुस्सा होता है और वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि उसने गेम की एंडिंग को इस तरीके से नहीं डिसाइड किया होता है। वो असल में चाहता था कि मित्सुको उसके यंगर वर्जन के साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन उसका सारा प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद हम मित्सुको के अलग अलग वर्जन्स को देखते हैं और वो एक एक करके खुद को मार लेते हैं। इस तरह वो अपनी डेस्टिनी को चेंज कर लेती है और अपने आसपास की सभी लड़कियों को बचा लेती है। वो सभी कैरेक्टर्स एक एक करके मर जाते हैं। मूवी के एंडिंग सीन में हम मित्सुको को देखते हैं जो कि एक स्नो वाली एरिया में अकेले ही लेटी होती है। वो अब उस बूढ़े आदमी से आज़ाद हो चुकी थी और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। असल में ये सारी चीज़ें उस बूढ़े आदमी की वजह से हुई जिसने मित्सुको को वापस से क्रिएट करने की कोशिश की थी। असल में मित्सुको पहले ही मारी जा चुकी थी, असल में उसकी पहले ही डेथ हो चुकी थी और वो बूढ़ा आदमी उसे काफ़ी पसंद करता था और इसीलिए उसने ये गेम बनाई थी, लेकिन मित्सुको ने उसके सभी प्लान को फेल कर दिया।
तो ऐसे ही एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।